नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, नरेंद्र मोदी से मुलाकात और मुलाकात के बाद पटना आकर के अपने सभी विधायक, एमपी, पूर्व एमपी और पूर्व विधायकों को अपने पदाधिकारियों के साथ बुलाना और वन टू वन बात करना, कहीं कोई बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं? ये चर्चाएं अब आम हो गई हैं। कयासों का बाज़ार गर्म है और कयासों के बाज़ार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मन बदल लिया है? क्या इस मीटिंग के मायने कुछ और निकाले जाएं? इन सारी चीज़ों को अगर कठौती पर कसना शुरू करेंगे तो आपको साफ लगेगा कि इस तरह की प्रक्रिया पहले भी हुई है, जिसके परिणाम नीतीश कुमार के नए फैसले से हुआ है। 2013 की बात कर लें, 2017 की बात कर लें या फिर 2022 की बात कर लें, ये सब वो समय हैं जब नीतीश कुमार बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद एक नए फैसले पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस फैसले के पीछे कई लोगों की जिंदगियां इस बार कैद हैं। हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा बने थे तो कई लोगों की जिंदगियां राजनीतिक रूप से समाप्त हो गई थी। पुराने घर में नए घर की तलाश में लोग निकल पड़े थे और उसके नतीजे और परिणाम आपके सामने थे। भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि बहुत लोगों को बांध करके रखने से अच्छा है कि एक को बांध करके रखा जाए। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को निपटना भी होता है तो एक से निपटती है और उसका अधिक समय व्यस्त नहीं होता है। लेकिन छोटे छोटे दलों को अपने साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की कमियां तो पूरा कर सकती है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले इन सभी की कमियां पूरी करते हैं, उससे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2014 के चुनाव में आपने देखा किस तरह से कई पार्टियां एनडीए का हिस्सा थी, नीतीश कुमार नहीं थे। उसका परिणाम, हालांकि नीतीश कुमार को घाटा हुआ लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, जो 2019 में हुआ था। 2019 में एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए का हिस्सा बनने के बाद 40 में से 39 सीटें एनडीए जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खुशी थी कि नीतीश कुमार के आने से हालांकि उसके सीट घटे थे, लेकिन कंबाइंड एफर्ट की बात करें, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें, तो 39 सीटें जीतने का एक मानसिक खुशी जरूर थी और मानसिक दबाव भी अन्य लोगों पर पड़ रहा था। राष्ट्रीय जनता दल, जो अपने स्थापना से अब तक के यात्रा में पहली बार लोकसभा से बाहर हो गया था। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आई कि नीतीश कुमार के अलग होने का दुख भले ही बिहार भाजपा को नहीं हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को रहा है। इस बात को लेकर के जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और एक लंबे समय के बाद, लगभग 1.5 वर्षों के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है, तो इस मुलाकात के कई चर्चे हो जाते हैं। इस मुलाकात के चर्चे इतने होते हैं कि इंडिया गठबंधन अलर्ट मोड में आ जाता है और अलर्ट मोड में आने का एक और कारण होता है कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं इसका विरोध भी होता है और विरोध में वही लोग खड़े हैं जो नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं। ऐसी स्थिति में अब कयासों का बाज़ार गर्म हो गया है कि नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग से निकल करके क्या आएगा। अगर मंथन से विष अमृत और कई तरह की औषधियाँ निकली तो उसमें से कौन सी औषधि कुशवाहा को, चिराग को और मांझी को पीनी पड़ेगी? क्या मैच से पहले इनका गेम ओवर हो जाएगा या फिर नीतीश की दिल्ली यात्रा जिस तरह से हुई है और जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो टीम से आउट होने का खतरा बढ़ाती हैं इन पर? इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और इन लोगों को अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश शुरू करनी पड़ी है। खतरा बड़ा है और चिंताएं तेज। इन तीनों दलों के नेता ये बात पूछना शुरू कर चुके हैं और साथ ही नीतीश कुमार की टीम भी जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर हो क्या रहा है। कई लोगों को इस बात की जानकारी है कि हमारा संपर्क लगातार सभी दल से बहुत अच्छा रहा है और सभी दलों से हमारे संबंध भी बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों की उत्सुकता होती है जानने की कि हमारे पास क्या इनपुट है।
वास्तविकता तो ये है कि हमारे पास जो इनपुट होता है या जो इंटरनली बातचीत होती है, हम उसे कभी सार्वजनिक नहीं करते हैं और न ही उसे हम अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी बात सभी जानते हैं, लेकिन उनकी बातों से इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उनकी चिंताएं कहाँ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है बिहार की राजनीति में, और क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति इस देश को चौंकाती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।